क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकोमोटिव व्हिस्टल इज 500 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 345 मीटर पर सेकेंड, द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द लोकोमोटिव एंड रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या बताना है, अपेरेंट वेवलेंथ बतानी है बिहाइंड एंड फ्रंट ऑफ द लोकोमोटिव। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, इसके दोनों तरफ क्या है ऑब्जर्वर है जो कि क्या है रेस्ट में, जो कि क्या है रेस्ट में, और इसने दिया है कि द ट्रेन इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर स्टिल एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकोमोटिव व्हिस्टल इज 500 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड दे दी इसने 345 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की वी नोट हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 क्या बन जाएगी, इस तरह मूव करेगा तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगी, Fs या F हम लिख लें, F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी V डिवाइड बाय में, और इसमें ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास V-Vs, ओके। और F2 हमारे पास क्या आ जाएगी, F V डिवाइड बाय में V+Vs, क्योंकि ये क्या हो रहा है अवे द ऑब्जर्वर जा रहा है तो इस केस में क्या आ जाएगा Vs, क्योंकि इस केस में हमारे पास जब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज, और अवे द ऑब्जर्वर जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिक्रीज, ओके। तो हमारे पास निकालना हमें क्या है वेवलेंथ निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं बी बाय लेमडा 1 आ जाएगा ये, और ये बी बाय लेमडा 2, तो एफ टू और इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी बाय लेमडा 1 एंड बी बाय लेमडा 2। तो इस केस में ये से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय लेमडा 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय इसको लेमडा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय F इंटू B-Vs, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, और सेकंड क्या हो जाएगी लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाय F इंटू V+Vs, क्योंकि इन दोनों की जगह हम V/λ1 और V/λ2 लिख सकते हैं, ओके। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे लेमडा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय F, F की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 500, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 500 दे रखी है, और V वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें क्या दे रखी है 345, और माइनस क्या आ जाएगा इसमें -30। तो लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 बाय 500 इंटू 315, तो लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.63 मीटर। तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ गई 0.63 मीटर, और लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 बाय F की 500 इंटू V 345 प्लस 30, तो 1 बाय 500 इंटू, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.80 मीटर। तो दिस इज द आंसर।